यदि आप चार धाम यात्रा करने की तैयारी कर रहे हो और आप किसी ट्रेवल एजेंसी को ढूंढ रहे हो तो जरा सावधान होकर ट्रेवल एजेंसी को चुने। जी हाँ, आए दिन ट्रेवल एजेंसियों की धोखाधड़ी यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। ताजा मामला श्रीनगर में सामने आया है, जहां जयपुर राजस्थान के बाड़ीवाल ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से आए 100 यात्रियों के समूह ने परेशान होकर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 पर जमकर हंगामा काटा। बीमार होने के लिए नहीं आए, यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 3 दिनों से बेहद गंदा खाना दिया जा रहा है, जिसका न कोई समय है और न ही कोई रूटीन है। यहां तक कि शौचालय के लिए भी वाहन चालक वाहन नहीं रोक पा रहे हैं। तबीयत खराब होने पर भी यात्रियों की सुध नहीं ली जा रही है, जबकि उनसे बुकिंग के समय मेडिकल सुविधा को लेकर व्यवस्थित चार्ट दिखाकर खाना और रहने की सुविधा की बात की गई थी। यात्रियों का कहना है कि उन्हें 13 से 15 हजार प्रति व्यक्ति का भुगतान लेने के बावजूद ट्रेवल एजेंसी अपनी मनमानी कर रही है। देर रात तक उन्हें बसों में और खुले में दरिया देकर ठहराया जा रहा है। तो मैं आते ही गाड़ी में बैठ गया 13 तारीख को, अब उसने 13,000 रुपए ले लिए। अब बाद में मैं जाकर के वहाँ बीमार हो गया, इन्होंने जवाब कहा मैं क्या करूँ, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो भाई अभी इनकी जिम्मेवारी नहीं है तो पैसे काहे के लिए। 10:30 बजे खाना खाने के लिए लाके हम चिल्लाते रहे ना, जब जाके इसने यहाँ ला के रोका तो पूरी सीटियाँ निकल गई, इतनी होटलें निकल गई, कहीं नहीं रोका इसने। और यहाँ आके रोका तो यहाँ आसपास में कोई होटल नहीं है, होटल में ऐसी में रोकता है जहाँ दरिया बिछाने को मिलती है, ओढ़ने बिछाने का कुछ नहीं। हरिद्वार में हमें दरी पे बिछाया, आधे आदमी को दरी मिली, आधी को दरी भी नहीं मिली। वहीं यात्रियों की सुध लेने रात को तैनात 2 चीता पुलिस के जवान पहुंचे, जबकि यात्रा व्यवस्था के दौरान पर्यटन पुलिस की तैनाती के दावे भी सरकार करती रही है। चीता पुलिस के जवानों ने भी मामले को शांत कराया। ऐसे में यात्रियों के हंगामे के बाद भी ट्रेवल एजेंसी या वाहनों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। संवाद 365 के लिए श्रीनगर से कमल किशोर पिबोली की रिपोर्ट।